Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 11 and 12 of exercise 10.9. Question 11 में दिया हुआ है कि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. तो देखिएगा क्योंकि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse. देखिएगा इस फिगर को कंप्लीट करते हैं. हम कॉमन हाइपोटेनस मान लेते हैं ये डायमीटर, क्योंकि एसी से कॉमन हाइपोटेनस से एबीसी एंड एडीसी, तो इसको एसी मान लेते हैं. सो वन एंगल इज एबीसी, सो लेट दिस बी एबीसी. एंड दूसरा जो एंगल है दैट इज ए डी सी, इसको बी मान लेते हैं. ए बी सी एंड हियर इज द पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज डी, दिस इज पॉइंट डी. सो इट इज गिवन दैट ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल, यानी दिस इज 90 डिग्री और दिस इज 90 डिग्री. क्योंकि ये हमने सर्कल इस वजह से लिया हुआ है, इसका एक रीजन है कि ए सी अगर हमने हाइपोटेनस लिया हुआ है AC, और AC हाइपोटेनस इसके लिए ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, और ये जो AC है ये एज ए हम डायमीटर लेंगे. तो हमने इसको एज ए डायमीटर लेते हुए B और D से जाते हुए एक सर्कल ड्रॉ हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि AC, ये जो AC है सेमी सर्कल में जो एंगल बना होता है दैट इज 90 डिग्री. यानी सेमी सर्कल, ये आपका सेमी सर्कल है, इसके रिमेनिंग पार्ट पर बी पॉइंट है, और ये जो एंगल होगा ये होगा, ये एंगल ए बी सी विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज 180, सो दिस विल बी 90 डिग्री. सिमिलरली फॉर दिस ए डी सी, दिस विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल एंड दिस इज अगेन 180 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री. सो ए सी विल बी डायमीटर. सो एसी हाइपोटेनस पर हमने इस साइड में एडीसी 90 लिया हुआ है, और इस साइड में इसके आगे अपोजिट साइड में एबीसी 90 ये लिया हुआ है. तो ये कंस्ट्रक्शन हमने पूरी की हुई है. सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है. एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल्स. देखिएगा ये राइट एंगल है, एडीसी आर राइट एंगल विद कॉमन हाइपोटेनस एसी. तो इन दोनों का ट्रायंगल एबीसी का और एडीसी का जो हाइपोटेनस है दैट इज कॉमन. प्रूव दैट सीएडी, देखिएगा सी ए डी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, दिस सी बी डी. तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बी से डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन बी टू डी. अब देखिएगा इस फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं, अगर सी ए सी ए डी की बात करें हम तो सी ए डी, और दूसरा एंगल सी बी डी की बात करें दिस इज सी बी डी. तो इस आर्क के लिए, आर्क सीडी के लिए, ठीक है, इस आर्क सीडी के लिए ये दो पॉइंट्स हो गए सेम सेगमेंट में, ए एंड बी पॉइंट्स हो गए. तो हम कह सकते हैं एज पर द थ्योरम कि एंगल सी, ये एंगल सी ए डी, सो वी कैन से एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी. Okay, so the reason is, as we know that angles in the same segment are equal. So यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन 12 लेते हैं. क्वेश्चन 12 में प्रूव करना है कि Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. तो यह फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये जो parallelogram है ADCB, इसको हमने rectangle prove करना है, और this parallelogram is cyclic. यानी इसका मतलब क्या है कि ADCB इस circle पर lie करते हैं. तो यह देखिएगा ABCD cyclic दिया हुआ है, और हमें cyclic quadrilateral की property पता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट
एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो एंगल यहां पर देखेगा ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट इज सी और बी का अपोजिट इज डी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी 180 डिग्री। नाउ क्योंकि ये भी दिया हुआ है कि एबीसीडी से पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम अलग से बना लेते हैं, दिस ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। सो इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, लेट दिस एंगल बी एक्स एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, और इस एंगल को वाई मान लेते हैं। इसको यूज करते हैं इक्वेशन में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज एक्स, मीन्स एक्स प्लस एक्स इज 180। इसी तरह से यहां पर वाई प्लस वाई इज 180, सो 2x इज 180 डिग्री, 2y इज 180 डिग्री, दैट मीन्स x इज 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। सिमिलरली y इज 180 बाई 2 90 डिग्री, सो x इज 90 डिग्री y इज 90 डिग्री मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज 90 डिग्री, मीन चारों एंगल इक्वल हैं। और क्योंकि ये देखिएगा 90 डिग्री हो गया, सी 90 डिग्री हो गया, बी इज 90 डिग्री एंड डी इज 90 डिग्री, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है ऐसा पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों कॉर्नर यानी चारों एंगल 90 डिग्री हो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, क्योंकि यहां पर रेक्टेंगल कहेंगे। सो हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्योंकि यहां पर सी डी इज इक्वल टू ए बी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है, सो इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे और ए डी इज नॉट इक्वल टू ए बी।